रांता के शेयर में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर सेलिंग यहाँ पर कर देनी चाहिए, उसको पूरा पूरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वीडियो बने रहिएगा। यहाँ पर पहले ये समझ लो शेयर गिरा क्यों है। इसलिए गिरा क्योंकि अनिल अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन है यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के, उन्होंने यहाँ पर स्टेक बेचे हैं 4.3% से। क्यों बेचा पहले तो ये रीजन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको यहाँ पर डेप्ट रीपे करना था वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। तो $500 मिलियन के यहाँ पर शेयर बेचे गए 5% डिस्काउंट पे। उन्होंने 258 पे बेचा था, बट शेयर का प्राइस इस समय उससे भी ज्यादा यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर चीज़ें हुई क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मंथली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन किया, इन्वर्टेड हैमर्स बंद थे, उसके नीचे क्रैश आया, यहाँ पर जो है स्टॉक हो चुके पूरी तरह से बेरिश। एंड ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट टर्म ऑटम के लिए बाय किया था तो 245 यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट होने वाला है। अगर इसके नीचे निकलता है शेयर तो आपको एक बार को प्लान करना पड़ेगा यहाँ पर एग्जिट का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड बाइंग कहाँ बनेगी, यहाँ पर जो है 301 लेवल है जो कि इसका रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस भी रहेगा, और ऊपर से थोड़ा सा जो है ऐसा भी एक लेवल है कि भैया थोड़ा सा साइकिल के लेवल में यहाँ पर बन रहा है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, इसके ऊपर वेदांता का शेयर यहाँ पर निकलता है तो हम प्लान करेंगे यहाँ पर बाय करने का। फिलहाल इस शेयर से हम लोग यहाँ पर दूर रहने वाले हैं। अभी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया होल्ड करना चाहिए सेल। बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक मैनेज, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री में स्टॉक्स मिलते हैं। आप देख लो केपीआई में 13,058% यहाँ पे हम बना चुके हैं। तो आते हैं अभी डिस्कशन पे लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सब लोग। तो लॉन्ग टर्म में देखो मेरे को पसंद नहीं है ये शेयर, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैं तो कभी भी इस फेवर में नहीं रहता हूँ कि भैया आप इसमें लॉन्ग टर्म खेलो। मेरे हिसाब से ये स्विंग वाला शेयर है। अगर आप इसका थोड़ा सा इस टाइप का पैटर्न देखें तो भैया ये बढ़िया स्विंग देता है। ऊपर पे बेचो नीचे पे खरीदो, ऊपर पे बेचो नीचे पे खरीदो, ऊपर पे बेचो नीचे पे खरीदो। मेरे तरह से तो मैं इसको एक स्विंग की तरह प्ले करता हूँ। एंड ना मेरा कभी प्लान है इसको लॉन्ग टर्म ले जाने का, ना मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसके इश्यूज हैं, अब वो मैं ओपनली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बस इतना समझ लो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बढ़िया नहीं है। इससे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप यहां नीचे नीचे पे लेके रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। बट अगर आप ऊपर पे लेके फंस गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सोचा था कि भैया होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए और कुछ क्वांटिटी बेच के निकल जाना चाहिए। बाकी कहाँ पे पैसा बनाना है वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कैसे आपको लॉस करके रिकवर करने हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से ना है इस पूरे शेयर को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बाय करेंगे, 300 के बाद निकलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, तो बाय।